नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल द इन्फॉर्मर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी सीएमएस के बारे में। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे यूपीएससी सीएमएस क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और तो और इसका एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेबस तक सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले जानेंगे यूपीएससी सीएमएस क्या है। सीएमएस का मतलब कंबाइंड मेडिकल सर्विस। ये एक ऑल इंडिया एग्जाम है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इसके थ्रू आपको जो जो पोस्ट मिलेंगे वो है असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और सेंट्रल हेल्थ सर्विस में कुछ जूनियर पोस्ट। चलिए आप देख लेते हैं कि कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है। तो पहला पॉइंट है एज लिमिट। इस एग्जाम के लिए आपका एज 32 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट भी रिलैक्सेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो इसके लिए आपके पास MBBS का डिग्री होना चाहिए। जो लोग MBBS के फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको UPSC CMS क्लियर करने के बाद MBBS फाइनल ईयर का रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जाम पास करने का प्रूफ जमा करवाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो UPSC CMS का दो स्टेज है, पहला है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा है इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन होगा दो पेपर का, हर एक में रहेगा 250 मार्क्स और हर एक पेपर के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटा टाइम। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आपके पास रहेंगे 100 मार्क्स। इंटरव्यू के बाद टोटल 600 मार्क्स में से आपको जितना मिलेगा उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, हर एक गलत जवाब के लिए आपका 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। तो चलिए आप सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहला पेपर जो कि 250 मार्क्स का है उसमें रहेंगे जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स। दूसरा पेपर में रहेगा सर्जरी, गायनोकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। यही सिलेबस का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, वो जरूर चेक कर लीजिएगा। सिलेबस थोड़ा ज्यादा है और अगर मैं डिटेल्स में बताने जाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। अगर आपके पास CMS एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जितना जल्दी हो सके उसका जवाब दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।